सारयानू सत श्री अकाल जी, चैनल पे तुहाडा सारयां दा स्वागत है जी। वीडियो किस बारे आ, तुसीं थंबनेल उत्ते टाइटल देख ही लिया है ना। आपां अज गल करांगे राधा स्वामी मत बारे, जो कि ब्यास पंजाब दे विच है ना, अमृतसर दे लागे ब्यास जिन्हां दा हैडक्वार्टर आ और जिन्हां दे अनुयायी मैं कहना पूरे संसार विच इस वेले तक फैले हुए आ जिस मत नूं मनण वाले। पर ये मत जिहड़ा पहले ये मैं शुरू विच दस दवां, क्योंकि मैं एक सिख हाँ ना, गुरु ग्रंथ साहब का कोई सिख सज्जन वो इस गलों ये ना समझन कि मैं शायद राधा स्वामी मत का प्रचार कर रहा। यह वीडियो एक नॉलेज के वास्ते आ सिर्फ, है ना, कि बैकग्राउंड की आ, क्योंकि हर धर्म हर मत का एक बैकग्राउंड हुंदा आ कि कितों चलता है ना। इस तरह एक मत कितों चलिया राधा स्वामी मत, बहुत ज्यादा पता नहीं होना। मैं सिर्फ तुहाडे नाल जिन्नी की जानकारी रखता हाँ संखेप दे विच वो गल करूँगा, ठीक है जी, मोटी मोटी गल करूँगा, बहुत ही लंबी वीडियो नहीं करूँगा समा, क्योंकि सारियां दा कीमती आ। जिहड़े राधा स्वामी मत दे संस्थापक सीगे, जिथों शुरू होया है, उन्हां दा नाम सी लाला शिवदयाल जी। और तकरीबन 1818 4 अगस्त 1818 नूं उन्हां दा जन्म हुंदा आ आगरा दे विच। और उन्हां दे पिता जी दा नाम लाला दिलवाली सिंह खत्री सीगे उह, और आगरा दे विच उन्हां दा जन्म होया। और इन्हां दे घर दे विच बाणी दा जिहड़ा पाठ है, गुरु नानक साहिब दी गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दा पाठ इन्हां दे दादियां पड़दादियां तों लैके ही कीता जांदा सी। रीत उत्थों चली आउंदी सी कि शरदा दे नाल इन्हां दे पिता जी खासकर उह जपजी साहिब, सुखमनी साहिब, पासा दी वार, रहिरा साहिब, इस तरह दीआं बाणियां निजम दे नाल पाठ करदे हुंदे सी घर दे विच। भाव कि धार्मिक माहौल जिहड़ा सीगा उह घर दे विच पहलां तों ही सीगा और सिख धर्म दा प्रभाव सीगा। नानक पंथी वो सन असल विच, ये सिख धर्म एक नानक पंथी होर भी हैगे, एक वक्रे एक तो है ना गुरसिखी आ गई, एक नानक पंथी होर भी होंगे वक्रे, वो वक्रे पर गुरु नानक साहब ते टेक रखते हैं, पर इस तरह अमृतधारी गुरसिख नहीं होंगे ना। उस मत का प्रभाव घर के उन्होंने पहलों तो ही, ठीक है। और उन्होंने दो भरा होर सन जेडे कि वह भी धार्मिक ख्यालों के सन, है ना, आपो अपनी थान वह भी जुड़े हुए थे, अपना अपना काम करते और पर सारे परिवार के जिहड़ा हैगा धार्मिक ख्याल सन और बाणी का जिन्ना भी हो सकता पाठ करन दा सारे यतन करते। खासकर सुखमनी साहब उन्होंने परिवार में ज़्यादा बाणी पढ़ी जाती सी, शरदा दे नाल पढ़ी जाती सी। लाला शिवदयाल जी ने फिर एक निर्मले संत जिहड़े हैगे उन्होंने चेले बने, क्योंकि धार्मिक बिरती सी इन्हां दी। शुरू तो मैं उन्होंने गल करदा जिहड़े संस्थापक आ राधा स्वामी मत दे, वो लुधियाणा दे एक निर्मले संत सी जिन्हां नूं मौज प्रकाश कहिंदे सी, असल नाम जिन्हां दा दीदार सिंह, भाव कि वह भी सिख परिवार के विचों सीगे ना, क्योंकि सिंह उन्होंने नाम के पिछे लगता। वो निर्मले संत सी और उन्होंने काफ़ी ग्रंथ पढ़े हुए थे जिहड़े सनातन मत के जां होर भी सिख धर्म के पुरातन ग्रंथों की काफ़ी सूझबूझ रखते सी। और लाला शिवदयाल जी ने उन्होंने कोलों वो ग्रंथ पढ़े सिक्ख्या लई और काफ़ी विचार चर्चा उन्होंने नाल करते रहिंदे इस तरह की, है ना। वो लुधियाणे के एक पिंड शायद गिल उस पिंड का नाम, उत्थों के रहन वेले से वह रहन वाले दीदार सिंह जी, मौज प्रकाश जिन्हां नूं कहिंदे। उस समय उन्होंने उन्हां दी संगत की, उन्हां दी संगत दे विच रह के बाणी पढ़नी सीखी और बाणी दे गहरे अर्थ विचार। और वड्डी गल जिहड़ी जिहड़ा मेन राधा स्वामी मत दा जिहड़ा मैं की कहां उन्हां दा, मतलब शब्द सुरत दी गल जिहड़ी करदे आ ना, उह कि शब्द ते सुरत दा अभ्यास ना इदां, उह चीज़ जिहड़ी सीगी ना जिहड़ा मेन, मैनूं हुण शब्द नहीं आ रहा उन्हां दा मंतव आ जां कह लो फिलोसफी आ जिहड़ी उन्हां दी, उह उन्हां ने उत्थों ही सीखी संत मौज प्रकाश जी दे कोलों, दीदार सिंह जी दे कोलों, लाला शिवदयाल जी ने वो फिलोसफी उत्थों वो चीज़ उन्होंने उन्हां तों सीखी कि सुरत दे नाल शब्द का अभ्यास किस तरह करना आ, समाधि किस तरह लाउणी, ध्यान किस तरह टिकाउणा आ, ये चीज़ वो करदे सीगे उत्थों उन्होंने सीखी सी, जिहड़ा कि अज मेन फिलोसफी आ उन्हां दी अगे सिखाई जांदी जिस चीज़ का प्रचार किया जाता आ राधा स्वामी सतसंग ब्यास दे विच। लाला शिवदयाल जी दे बचपन का कोई बहुता समाचार मिलता नहीं हैगा, पर उन्हां दा सत्कार करन वाले शुरू तो ही उन्हां नूं पूरन धनी जी जां सत्कार दे नाल जिदां अही महापुरखां दा सत्कार करदे आ इस तरह सत्कार करते, ज़्यादातर उन्होंने स्वामी जी कह के शुरू तो बुलाते थे उन्होंने शरदा रखने वाले। और होर इन्हों के बचपन का कोई बहुते समाचार प्राप्त नहीं है, है ना, एक तो गल्ला ही बहुत पुरानी आ, क्योंकि 1818 का जन्म उन्होंने लिखा हुआ मिलता है ना। उस तो बाद यूपी दे विच किते बांदा शायद नाम है ना, उत्थे वो नौकर हो जाते हैं, भाव कि नौकरी तो लग जाते हैं, है ना, कि किस नौकरी तो लग जाते, कोई समाचार प्राप्त नहीं।
पर उत्थे उन्होंने नौकरी की उस चेर उन्होंने, क्योंकि दूसरे भरा भी उन्होंने कितना कितने वो सरकारी नौकरियां करते थे, है ना, उस वेले जी सरकार से अंडर वह सरकारी नौकर से भी होए। और एक लाला इज्जत राय दिल्ली के, उन्हों की लड़की जिदा नाम से राधा, वो समा पा के इन का विह हो, ठीक है जी। और इन्हों पिता जी ने लाला इज्जत राय भाव अपने कुड़मन पत्र लिखा कि इन्हों कि चंकी नौकरी दवा दौ, क्योंकि वह असर रसूख रखते से इन्हों सहरा साहब जोड़े से वो असर रसूख वाले आदमी सन, उन्होंने नाम भी इज्जत राय से, उदा भी कहते इज्जतदार आदमी सन। इस करके इन्हों पिता जी ने उन्होंने पत्र लिखा कि इन्हों कि जे नौकर करा दो भाव ना नौकरी दवा दो तो चंकी गल होगी, क्योंकि उन्होंने दमाद लगते सी ते उन्होंने उन्होंने कहते भी अपने कुड़म के कहते, फिर उन्होंने राजा बल्लभगढ़ राजा दे पास उन्होंने फारसी के टीचर के तौर पर, क्योंकि फारसी बहुत उस वे आ भाषा का है ही नहीं, हिसाब किताब बोलते नहीं लोग, हुण तक तुसीं देखदे जिहड़े बजुर्ग आ कि पुराने उर्दू में अपने दस्तखत करते ना साइन करते, सो इन्हां भाषावां का प्रभाव सीगा। फारसी उदों तक भी पढ़ी पढ़ाई जाती सी आले दुआले, तो सारे जो सरकारी काम फारसी में होंदे सीगे, जिद्दां बाद विच हुण तक उर्दू में होंदे रहे है ना देर तक, उदों फारसी च होंदे सी। इस करके उन्होंने उस राजे पास उन्होंने फारसी के अध्यापक के तौर पर वो दरबार में उन्होंने जिन्हों मुंशी कहें, असल में जिदा आप पढ़ते ना एक मुंशी प्रेमचंद जिहड़े कहानीकार आ, वो मुंशी तां कहिंदे सी, वो भी टीचर सीगे, उदों एक्चुअली टीचर नूं मुंशी कहा जांदा है, टीचर नूं मुंशी कहिंदे सी अध्यापक नूं, है ना। जिदा भाई नंद लाल जी से ना दसम पातशाह जी के जिहड़े कवि महान कवि और गुरु साहब के महान सिख भी होए है ना, बड़े प्यारे सिख, उन्होंने भी मुंशी नंद लाल कहिंदे, वो औरंगजेब बादशाह के मुंशी सीगे किसी समय, मुंशी की वो पुत्र दे बहादुर शाह नूं पढ़ाउंदे सीगे, वो टीचर सीगे, इस करके उन्होंने उन्हां दा इतिहास में जिक्र आता मुंशी नंद लाल, है ना। इस तरह करके कह लो मुंशी लग गए वह भाव अध्यापक फारसी के उस राजे दे कोल, उन्हां दे पिता जी ने उन्होंने रखवा दिता। इस दौरान फिर लाला शिवदयाल जी के पिता जी वो चढ़ाई कर गए, वह गुजर गए, इस करके फिर उन्होंने अपने घर वाल देखना पिया, घर का निर्वाह करना पिया, है ना। और वो फिर आगरे रहन लगे, और संत जिहड़े मैं तुहानू दस्सिया शुरू में जिन्हां दे वो चेले बने आ, जिन्हां तों उन्होंने विद्या पढ़ी, वो जिन्हां दा मौज प्रकाश जिन्हां दा नाम आ, उन्हां दे नाल वो एक गुरद्वारा साहब विच महंत सीगे, और शिवदयाल जी अक्सर उत्थे जांदे उन्हां कोल, उन्हां दे नाल गुरद्वारे विच ग्रंथां दी विचार करदे चर्चा करदे, है ना, ते इस तरह अपना ज्ञान मतलब प्राप्त करदे रहे, ज्ञान दी गहराई विच जांदे रहे, अक्सर रोज़ मुलाकातां हुंदियां। पर होया की कि किसे कारण वो जिहड़े मौज प्रकाश सीगे उन्हां दे उत्ते कोई मुकदमा बन गया, है ना, और उन्हां नूं जेल यात्रा करनी पई, पर अपील करन दे उत्ते 6 महीने दी जेल उन्हां नूं होई, पर वो फिर अपील करन दे उत्ते वो बरी हो गए। पर उन्ना समा वो जेल में जा तक सीगे सारा कुछ चल रहा सी, उहदे दौरान लाला शिवदयाल जी ने अपने घर विच गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया, घरे ही पाठ करते सन, और घर विच उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश करके गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी दे विच सत्संग जिहड़ा हैगा उत्थों करना उन्होंने पहली बारी आरंभ किया। और इस तरह थोड़ा समय नहीं, वो तकरीबन 17 साल तक इस तरह अपने घर विच ही संगत करते रहे, गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश करके बाणी पढ़ के सुनाउंदे, उहदे अर्थ करके सुनाउंदे, और उत्थे जिन्ने कि उन्होंने श्रद्धालु सी उन्होंने अनुयायी उत्थे जुड़दे, संगत जुड़दी, जिन्हों सतसंग का नाम जिहड़ा अज तक रूप बदल के जिहड़ा और बहुत विशाल हो गया, है ना। ये शब्द उत्तों उन्होंने शुरू किया अपने, ये शब्द जिहड़ा आ सतसंग शब्द तो गुरु ग्रंथ साहिब दे विच आउंदा आ, गुरु नानक साहिब जी और सिक्खी दे नाल प्रचलित शब्द आ, पर सनातन मत दे नाल संबंधित भी हैगा ये शब्द, उस तो भी पहला वो भी इस नूं वरतदे आ कितने कितने। और उन्होंने जिहड़ा सत्संग मैं कहना भी अपना निजी वो उत्थों शुरू होया, गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश घर 17 साल वो अपने घर में सत्संग करते रहे, 17 साल थोड़े नहीं होंगे, उस तो बाद 17 साल गुजर जाने के बाद उन्होंने फिर अपने घर तो बाहर निकल के खुला विचर के थां पर थां जाके प्रचार करना शुरू कर दिता। लाला शिवदयाल जी के वड्डे भरा प्रताप सिंह वो डाकखाने के किसी वड्डी पोस्ट पर सिगे, क्लर्क सिगे शायद कुछ, वो एक बार किसी सिलसिले में मेरठ गए, उत्थे उन्होंने एक इस महकमे के जेडे ऑफिसर सालग्राम उन्हों का नाम से सालग्राम, इन्होंने लिखा सालग राम बखरा लिखा, उदा जिन्हों पूजते पंडित जो पत्थर पूजते ना उन्होंने भी सालग्राम कहें, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी कहें आग्या राख्यो सालग्राम मन कीनो दह दिस विश्राम, है ना। इस तरह उन्हों का नाम सेगा सालग्राम।
और उत्थे उन्हां दी मुलाकात हुई शिवदयाल जी दे वड्डे भरा प्रताप सिंह नाल। इन्हां नूं उन्हां ने सुखमनी साहिब दा पाठ करदिआं सुणिआ उत्थे, और उन्हां नूं बाणी बड़ी मिठी लगी है, गुरु अर्जन देव महाराज दा बाणी जिहड़ी है ना श्री सुखमनी साहिब। और वह कहिंदे वी इह की आ तुसीं पढ़ रहे? तो प्रताप सिंह उन्हां ने उन्हां नूं दस्सिआ, कहिंदे इह बाणी आ। किहदी बाणी आ? कहिंदे गुरुआं दी बाणी आ इह, गुरु अर्जन देव जी। वह कहिंदे तां बड़ी मिठी आ बाणी, तुसीं मैनूं अर्थ समझा सकदे इहदे? तो प्रताप सिंह उन्हां ने कहा कि मैं अर्थ तुहानूं समझा तां सकदा, पर जे तुसीं इहदे बहुत बरीकी विच गंभीर अर्थ विचारने आ जां सुनने चाहुंदे आ, असली अर्थ ना गहन अर्थ, वह फिर कहिंदे तुसीं तुहानूं मेरे भरा नाल मिलना पऊगा। उन्होंने इशारा किया लाला शिवदयाल जी वल, कहिंदे तुसीं उन्हां तों अर्थ सुन सकदे आ। वह फिर देखो इन्नी उन्हां दे अंदर चाहना सी उस बंदे दे अंदर, वह चल के उत्थे आए आगरे, शिवदयाल जी नूं मिले और इन्हां दे श्रद्धालु बने है ना, क्योंकि अर्थ उन्हां तों सुखमनी साहिब उन्हां ने सुने, होर भी बाणी दे अर्थ सुने, परमार्थ दे चर्चा हुई, रब दे घर दीआं गल्लां उन्हां नाल कीतीआं उन्हां ने, इस तरह का शौक सी उन्हां नूं सालग्राम। और वह इत्थों वह पक्के तौर पर जुड़ गया इन्हां दे नाल, ठीक आ। और उन्होंने सालग्राम जी ने फिर जिहड़ा नाम है ना राधा स्वामी, इहदा मतलब यह सीगा कि उन्हां नूं स्वामी जी कहिंदे सीगे शिवदयाल जी नूं उन्हां दे श्रद्धालु, और राधा उन्हां दी धर्म पत्नी का नाम सी, दिल्ली तों जिहड़े सी मैं तुहानूं दस्सिया है ना लाला इज्जत राय जी की बेटी। और राधा स्वामी, राधा दे स्वामी भाव के राधा दे पति है ना, राधा दे पति होने करके उन्हां नूं राधा स्वामी किया गया। बाद विच उहदे अर्थ यह भी किए जाते हैं कि रूह और परमात्मा दे नाल अर्थ किए जाते इहदे है ना, कि रूह जिहड़ी आ उहदा स्वामी परमात्मा आ, राधा स्वामियां दे विच इह अर्थ किए जाते इहदे। और पर सीधा सीधा सालग्राम जी ने नाम रख्या उन्हां दे श्रद्धालु बनन तों बाद। इह उन्हां ने मत फिर देखिया जाए तां कहिंदे असल विच उन्हां दे भरा जिहड़े सीगे प्रताप सिंह, उन्हां ने यह भी दस्सिया, उह कहिंदे अंतम समय लाला शिवदयाल जी ने जदों कि राधा स्वामी मत चल चुकिया सीगा ना होंद विच आ गया सी, उन्हां ने यह भी दस्सिया, उह कहिंदे कि ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਲਾਲਾ ਸ਼ਿਵਦਿਆਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਮਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਤ ਸੀਗਾ ਸਤਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੁਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੋਧ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਆਰੇ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਮਤ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਣੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਵਦਿਆਲ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਆ, ਇੱਕ ਤੱਥ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੱਲਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਗੱਦੀ ਚੱਲਦੀ ਚੱਲਦੀ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਮਤ ਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ 1878 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਜੀ, ਉਹ ਆਗਰੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਗਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਦੀ ਬੈਠੇ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਬਿਆਸ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਖਾ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਚੱਲੀ ਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਘੁਮਾਣ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਿਵਦਿਆਲ ਜੀ ਉਹ ਮੌਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਫੌਜ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਬਣ ਗਏ ਅਨੁਯਾਈ, ਔਰ ਬਿਆਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਖਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੱਲੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਸਾਰਾ ਆ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਆ ਬਿਆਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਆ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾਪਕ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਾ ਸ਼ਿਵਦਿਆਲ ਜੀ ਸੀਗੇ ਆਗਰੇ ਤੋਂ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਮਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਵੀਰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
कि नॉलेज दे वास्ते है ना, जानकारी नाल भरी हुई वीडियो। असी गुरु ग्रंथ साहब जी दे सिखां आखिरी साह तक रहांगे, उन्हां नूं साडा रोम रोम समर्पित रहूगा। सो बहुत धन्यवाद वीडियो देखने लई। तुसी भी कुछ तुहानूं पता होवे कुछ होर तुसी कमेंट करके दस सकदे आ जानकारी दे तौर ते। वीडियो किदां दी लगी जरूर कमेंट करके दस्सिओ, लाइक कमेंट शेयर करिओ जी। चैनल दे नाल पक्के तौर ते जुड़न वास्ते तुसी चैनल नूं सबसक्राइब कर सकदे ताकि हर वीडियो जिहड़ी तुहाडे तक पहुँचदी रहे। सो सारिआं दा बहुत बहुत धन्यवाद जी। सत श्री अकाल।